तो लास्ट लेक्चर क्या था अपना? अच्छा, लास्ट लेक्चर वो अपन जो बची खुची दो तीन कचरा चीजें थी, वी वर सॉल्विंग दैट, है ना? वी आर डूइंग अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. यस, तो लास्ट थिंग वाज अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का एक पप्पू सा एग्जांपल अपन ने किया था, दैट वाज एरिया ऑफ एलिप्स, है ना? तो मोस्टली मैंने ऐसे बताया था कि कॉन्करेंसी, एरिया और इन सब चीजों में आप अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, मेनली एरिया में. ऑलराइट, और मैंने बोला था कि इन तीनों कॉन्सेप्ट पे थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, भव्य पहले 2B करो, फिर 2C करो, और फिर टाइम मिलता है तो 2A करो. ठीक है, 2B 2C अटमोस्ट इंपॉर्टेंस गिव, 2B 2C सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, 2B 2C सबसे ज्यादा काम का है, फिर 2A टाइम बचता है तो 2A भी कर लेना. ठीक है, चलो. तो आई थिंक आज अपन को कुछ कॉन्सेप्ट तो सीखना नहीं था, आज अपन को इसी पे प्रैक्टिस करनी थी. तो आई होप थोड़ा सा आपका ये रिवाइज्ड हो, मतलब थोड़ा सा पढ़ के आए हो जरा सा. बट एनीवे, जल्दी से फिर से देख लेते हैं. वैसे क्या दिखाऊं इसमें यार, सर, लास्ट. हाँ बोलो. व्हेन विल यू टेक एलिप्स डाउट्स? एलिप डाउट्स यार, इस वीक मैंने बोला था उसको डाउट सेक्शन रखने के लिए, बट उस दुष्ट ने रखा नहीं. नेक्स्ट वीक में लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ करके अपन डाउट्स कर ही लेंगे, कुछ भी करके. ओके, तो तुम लोग सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, एक साथ जितने हो जाएंगे डाउट्स अपन कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सर अब तक सिर्फ तो वन ए वन बी हुआ है सर, 2A हो गया ऑलमोस्ट. 1A 1B तो मैं बहुत ज्यादा इसको हाई रिगार्ड्स पे रखता भी नहीं हूँ, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, दीज सर आर नॉट टू सी, डिफिकल्ट. टू सी तक चलेगा पूरा? मैं ये चारों डिस्कस करूंगा विथ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये चारों. उसके बाद और टाइम बचता है तो 2A भी कर लेंगे, बट ये चार नेक्स्ट जो भी, शायद ट्यूजडे, मैंने उसको बोला है कि ट्यूजडे रख देना कुछ भी करके, ट्यूजडे या वेडनेसडे, बट ये चार अपन डिस्कस करेंगे पहले. श्योर हाँ जी, एडवांस एक्सरसाइज में भी दो तीन डाउट्स तो ले सकते हाँ हो. वो पूछ लेना पूछ लेना पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. विंडो टू जे और ना, सर पैराबोला के भी 2B के लास्ट 30 सम्स बाकी थे. उप्स. अब पहले टॉप प्रायोरिटी इलिप्स है, फिर अगर कुछ बचता है तो अपन उसके लिए, फिर अपन को सेपरेटली रखना पड़ेगा, बट पहले इलिप्स कर लेते हैं. पैराबोला का आई ओके थिंक सर, 2A तक तो हो गया था, तो सर बाकी टू नेक्स्ट बी में सर भी फर्स्ट TWT 30 सम्स हो गए थे, 30 35 सम्स. है. अच्छा, ओके ठीक है, कर सकते हैं, बट पहले इलिप्स करवाऊंगा मैं. टाइम मिलता है तो सबको डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. चलो तो अपन को थोड़े ओके क्वेश्चंस सर, करने थे. पहले मैं थोड़े से अफाइन वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अफाइन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चों के, रिलेटिवली लाइक 2 या 3 लाइन में आ जाते हैं, इफ यू नो व्हाट टू डू. ठीक है, उसके बाद मैं थोड़े इसके भी क्वेश्चन देता हूँ, को नॉर्मल और कॉन्साइक्लिक के, और उसके बाद एक दो मिसेलेनियस सम करके पूरा अच्छे से रैप कर देते हैं. तो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फाइंड, देखना सोचना कितना इजिली हो सकता है इफ यू जस्ट नो व्हाट टू डू. ये ट्राई करके देखो और सोचो कैसे करोगे. मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, और मुझे काफी बुकलेट में जो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, तो वो मैं करवा देता हूँ, जो अपन बहुत मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज 3 का एक ऑर्डर में ही देता हूँ बच्चों, पहले 15, फिर क्वेश्चन 39. इसका सेकेंड पार्ट स्किप कर देना, वो कॉन्जुगेट डायमीटर पे बेस्ड है, जिसको करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. फिर क्वेश्चन आई थिंक आई शुड गिव, इसके बाद 44 कर लेना, बट इसमें भी एक छोटा सा गड़बड़ है, इसका डायग्राम पता नहीं उचक के कहीं पे इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन 55, इसका डायग्राम क्वेश्चन 55 53 के सामने है, 53 के सामने उचक गया वो, तो वहां से डायग्राम रेफर कर लेना थोड़ा सा. फिर सिक्वेंशियली जाए तो 80 इज अ वेरी गुड सम, एंड देन क्वेश्चन 40, नहीं 40 40 यस. ठीक है, दीज क्वेश्चंस ट्राई, फटाफट ट्राई करो, मैं जब तक और क्वेश्चंस दे रहा हूँ. अब इसके आगे वाले थोड़े से वियर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े नहीं काफी वियर्ड क्वेश्चंस हैं. छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट है सर, लास्ट में बता देंगे क्या सर? जब हम पैराबोला पढ़ रहे थे तो हमें बोला था कि POSL और सर्कल का एक्सेंट्रिसिटी इन्फिनिटी और जीरो होता है, उसका वेरी रीजन. गुड. देख ऐसा होता है, मतलब रीजन तो ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन है यार. देख मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, होता क्या है जब अपन ये कर रहे हैं कोनिक बना रहे हैं, तो पी एस अपॉन पी एम इज इसेंट्रिसिटी.
तो अब लेट्स से इसेंट्रिसिटी को तू बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा मतलब लेट्स से 0.001. तो डू यू अंडरस्टैंड कि पी वेरिएबल पॉइंट तो है बट दिस अपॉन दिस ऑलवेज हैज टू बी दिस रेशियो. मतलब पीएस इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू पीएम डिस्टेंस. तो पीएस अगर बहुत छोटा है तो वो शेप जो है ना ऑलमोस्ट ऐसा यही एस के आजू बाजू घूम के रह जाएगा. और छोटा करूंगा तो और छोटा आजू बाजू घूम के रह जाएगा. तो इट्स लाइक जैसे जैसे रेशियो कम होता जा रहा है, पीएस डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो ऑलमोस्ट वो पॉइंट सर्कल जैसा बनता जा रहा है. तो उसको अगर अपन इनफाइनाइट टाइम जूम करेंगे तो वो सॉर्ट ऑफ सर्कल जैसा दिख रहा होगा, बट उसका डायरेक्ट्रिक्स कहां जा चुका होगा? इन्फिनिटी पे. और टेक्निकली बोला जाए तो होता यह है, सिंपल सी बात है यार, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ. इसेंट्रिसिटी जैसे जैसे अपन रिड्यूस करते जाते हैं तो जो एलिप्स है वो थोड़ा ऐसा होता जाता है, ऐसा होता जाता है, ऐसा होता जाता है. सो saying E0 is a circle is technically wrong. ऐसे थोड़ी होता है. इसका actual meaning क्या है? It's a limit. अपन बस ये observe कर रहे हैं कि जैसे जैसे eccentricity कम होता जा रहा है, बहुत reduce होता जा रहा है, the shape is becoming circular. थोड़ा circle की तरफ tend कर रहा है. तो E approaching zero, the conic approaching circular. तो अपन इसको as a limit बोल देते हैं कि E0 is a circle. I hope you understand. उसके बाद सेम जगह ऐसे अपन ई को वन से बड़ा रखते हैं तो ऐसा हाइपरबोला स्टार्ट होता है. ऐसा फिर इसेंट्रिसिटी को बढ़ाते तो हाइपरबोला स्टार्ट्स वाइडनिंग अप ऐसे ऐसे और ऐसे करते करते वो ऑलमोस्ट ये वाले पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्रॉस क्रॉस आ जाते हैं, एकदम पास पास आने लगते हैं. और उसका शेप भी ऐसा होते होते ऑलमोस्ट वो ऐसा 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 टाइप का होते होते वो ऑलमोस्ट लाइन जैसा हो जाता है. शेप ऑलमोस्ट ऐसा लाइन जैसा हो जाता है. तो अपन उसका एज एन एक्सेप्शनल केस मतलब ये बोल देते हैं कि लिमिट if he is approaching infinity the shape is becoming almost like two lines aisa ye two lines jaisa ho jata hai almost to apan e absolute infinity ko bol dete hain ki it is pair of lines but wo bolne wali baat hai it's a limit actually ki jaise jaise isko approach kar raha hai ye aisa ke aisa bante ja raha hai sort of theek hai okay sir we can say that the distance between the two foci tends to zero as e tends to zero. हाँ आयुष वैसे देखना है तो बोल सकते हो. Circle is like a conic section जिसका directrix infinity पे पहुंच जाता है. ठीक है? But sir थोड़ा ऊपर scroll करोगे? अच्छा हाँ sorry हाँ sorry ये questions थे. हाँ तो ये question अपन फटाफट करते हैं, तुम खुद देखना कितने मजेदार questions हैं. हर question मजेदार है इसमें. अब ये क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स थोड़ा इरिटेटिंग है. और इसके लिए मैं पहले बता रहा हूं लास्ट लेक्चर का थ्योरी रेफर करना पड़ेगा, थोड़ा लास्ट लेक्चर का थ्योरी देख देख के करना पड़ेगा. बट ये काफी एक्सेंट्रिक सम्स हैं, मतलब अलग ही टाइप के सम्स हैं. तो मैं बना के देता हूं. ये शायद अपन ने लास्ट लेक्चर नहीं कराता तो मैं ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करके बना के दे देता हूं. कोई भी इसमें से प्रॉपर्टी या फॉर्मूला नहीं है. सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 80 एंड 40. ओके थैंक यू सर. ओके सर क्वेश्चन 3. हाँ मैं अपने सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा. ओ थैंक यू. मतलब इसमें वैसे रिमेम्बर दिस हैज सिक्स टर्म्स होंगी. अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा. 6 टर्म्स. दिस इज नॉट अ साइक्लिक समेशन बाय एनी चांस. 6 टर्म्स होंगी फर्स्ट वाले में. ओके थैंक यू सर. ओके थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि एक साथ सारे क्वेश्चन आ जाए. हाँ आ जाएंगे चलेगा. तो ये क्वेश्चन एक काम करो फोटो खींच के डाल दो. ये सारे क्वेश्चंस का एक फोटो खींच के डाल दो.
हाँ यार आज खाली क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि अपना टॉपिक का थ्योरी तो लास्ट एक्चुअली खत्म हो गया, तो ये जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो भी इधर उधर के थोड़ी आड़ी तिरछी चीजें हैं उसको अपन अच्छे से क्लास में करके अच्छे से रैप कर देते हैं ताकि अपन को ऑलमोस्ट सब जगह का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। तो इसका कंटेंट समाप्त हो चुका है, लास्ट लेक्चर ही हो गया था वो तो, लास्ट लेक्चर ही हो गया था वैसे, एक्चुअली मैं फिफ्थ लेक्चर में ही कंटेंट समाप्त हो गया था। हाइपरबोला इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एक्चुअली में, ऐसा है कि अगर आपको एलिप्स अच्छे से आता है तो हाइपरबोला में आधी चीजें तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। मेनली अपन को हाइपरबोला में एजिम्प्टोट्स व्हिच इज एंटायरली न्यू एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हिच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग और जिससे क्वेश्चन बनते इसको नया पढ़ना है। बाकी तुम एलिप्स के नोट्स खोल के देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर सेम ही तो है। और ये डिटरमिनेंट है नॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग होता है। सर इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से तुम टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाओगे तो ट्रायंगल बनेगा ना। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कोई एक अच्छे से बच्चों एकदम एक कोई अच्छा बच्चा इसका फोटो खींच के डाल दो ना ग्रुप पे, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो ताकि अच्छा ऑलरेडी देयर, ओके कूल कूल कूल। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिस इज द कीवर्ड सॉल्विंग और आर यू गिविंग, नो 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 स्टार्ट सॉल्विंग। इसके बाद और दे दूंगा मैं अगर मुझे ऐड करना होगा, बट ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये मांग रहा हूं मैं, ये बाहर वाले पॉइंट से इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स तो ये वाला एरिया मांग रहा हूं मैं, लेट्स से पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, तो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पी एन पी बी आर टेंजेंट्स, तो इस एरिया को निकालना है, इस ट्राइंगल के एरिया को निकालना है। ठीक है तो फिर से सोच लो कीवर्ड ये है तो क्या करोगे, दैट यू शुड बी एबल टू फॉलो नाउ, सोचो क्या करोगे। सॉल्व करो, आई गिव यू 4 to 5 minutes। इनफैक्ट इफ यू रियलाइज क्या करना है आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो, वो भी चलेगा। कैलकुलेशन करवाना मेरा भी कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट चमक रहा है कि नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करके बताओ किसी का ट्रांसफॉर्मेशन सोचो, अगर लग रहा है तो व्हाई नॉट। Sir, is the answer A, B into S1 to power 3 by 2 upon S1 minus 1? S1 plus 1. वापिस से चेक करो। हाँ, yes sir, S1 plus 1. Excellent, brilliant. देखो, exactly वही चमका जो मैं exactly चाह रहा था. Very good job. Sir, वो तो I think almost हर बच्चे को feel तो आ गई होगी, area है. तो ये मुझसे घंटा ही निकलेगा, ये क्या करूंगा मैं इसको, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा ए कॉस बीटा बी साइन बीटा रहने दो, वो तो बहुत लेंदी होगा। व्हाट एल्स कैन बी अप्लाई बच्चों, एरिया है तो मैं क्या सोचूं अभी, सर्कल में कर देंगे, सर्कल में कर देंगे, सर्कल का एरिया पता है तो फिर वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही करना था कि सर्कल में कन्वर्ट करो, उसके बाद तो अपन को आधी चीजें तो पता ही है। तो अगर सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो टेंजेंट्स विल रिमेन टेंजेंट्स, भले पॉइंट वाइज चेंज हो जाए, बट मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। इस बार पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो चुका होगा, x1, a by b1। तो क्या आपको इसका रिजल्ट ही याद है क्या, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। डू यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, r√s1 × s1/c2। एक्सीलेंट, ये होता है ना r(s1)3/2r²+s1। अगर ये याद है तो चिपकाओ, वेरी गुड। तो देखो इसका रेडियस क्या सर्कल का, a, s1 मतलब सर्कल की इक्वेशन में पी डैश पुट करना है, ये तुम्हारा सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन में पी डैश पुट करना है। तो एस वन मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस वन, तो ए स्क्वायर
और S1 मतलब यही ऊपर वाला क्वांटिटी, तो X1 square plus A square by B square. सर वो S1 plus क्या लिखा है? S1 plus R square. R square plus S1 लिखता हूँ मैं. R square plus S1. ये आता है ज्योमेट्री से. तो इसलिए सर्कल इज प्रेफरेबल. तो ये बन रहा है बच्चों R square plus S1. तो कितने बच्चों को दिखा? अबे ये तो बहुत इजी बन रहा है. कितने बच्चों को समझ रहा है कि न्यूमरेटर में से A square common निकाल लो. A square common निकाल के तो देखो क्या बन रहा है ना. A square common निकालोगे तो ये समझ आ रहा है. अरे वाह यार, ये तो एलिप्स इक्वेशन बन गए. और डिनोमिनेटर में भी एक काम करो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो. तो एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये बन रहा है. ओके, तो लाइफ इज सो सुपर डुपर इजी. ये आ रहा है ए स्क्वायर. सर, I got a b in numerator. हाँ रुक जाना, अभी तो मैं सर्कल का निकाल रहा हूँ. तो एलिप्स का निकालने के लिए बी बाय करूंगा अभी मैं. या तो ये तो एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स का एस वन है, और ये एलिप्स का S1 प्लस 1 है, और क्या. तो ये A सर्कल के केस में आया है, तो A एलिप्स के केस में क्या आ जाएगा? B बाय मल्टीप्लाई कर दो. तो B बाय मल्टीप्लाई करोगे तो योर डिजायर्ड रिजल्ट इज हियर. ठीक है, क्या ये याद रखना है? पहली बात, क्या ये याद रखना है? नहीं नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर जेई कुछ बना के देगा तो ऐसा देगा कि कैलकुलेशन इजी हो, और ये सब कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, क्योंकि टेक्निकली ये सब कॉन्सेप्ट जेई के कॉन्सेप्ट थोड़ी है. ये तो अपन को कहीं से मिल गया, अपन को पता पड़ गया कि अच्छा ये यूज कर सकते हैं, तो अपन यूज कर रहे हैं. बट जेई इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. तो जेई देगा तो या तो इजियर वर्जन दे देगा कि भैया एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बन रहा है, तो वो तो एनी वे इजिली सॉल्वेबल होगा. इनफैक्ट जो मैंने अभी मैंशन करा वो जेई के ही समय. यहाँ पे एक एच कॉमा जीरो पॉइंट लिया, वहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो कितने बच्चों को समझा? इसमें अफाइन की भी जरूरत नहीं है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाओ, बेस इंटू हाइट, तो अगर जेई देगा तो ऐसे नहीं देगा. बट अगर देखें तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना, कोई बुरी बात नहीं. हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो हमें वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर एक डाउट था सर, जैसे सर्कल पैराबोला में हम इनसाइड और आउटसाइड का पॉइंट निकाल लेते थे, इसमें भी ऐसे ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो करके कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल. बट वो मैं काम करता हूँ, वो मैं हाइपरबोला में मेंशन करता हूँ, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग उसका मजा आता है हाइपरबोला में. मैंने एलिप्स में भी मेंशन नहीं करा है नो, बट हाइपरबोला में एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है. तो उसी टाइम पे तीनों चीज एक साथ मेंशन करो तो फिर भी समझ आता है. बट आई विल मेंशन इट, बट हाइपरबोला में अच्छे से. सर वो चीज तो हर कोनिक में एप्लीकेबल है ना? हाइपरबोला में सॉर्ट ऑफ उल्टा है, सॉर्ट ऑफ. सो क्या एप्लीकेबल है? अरे वही कि एस वन पॉजिटिव एस वन नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन क्या होता है. रीजनिंग वाला माइंड, तो जिसका अगर रीजनिंग 15 वाला हो गया एक्सरसाइज 3 का, वही दिया ना नेक्स्ट. हाँ तो रीजनिंग चैट पे. हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला चैट पे रीजनिंग देना भी बीच ऐसे स्पॉइल मत करना, ठीक है? तो थिंक अबाउट दिस सम. 15th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सोचो. I'll give you 3 to 4 minutes. You are not supposed to solve this. You are just supposed to reason it out. Socho. Sir, वो circle का area हम लोग को कराया था circle में. कोई जरूरत नहीं उसकी भी. कोई जरूरत नहीं. Just reasoning. मतलब समझ रहे हो? Without using the pen, I can solve this sum. बिना marker use किए मैं ये question solve कर सकता हूँ. Just मुझे एक रीजन आउट रीजनिंग देनी है, एक लॉजिक देना है बस. सुप्रतिम यार नहीं यार, नॉट रियली नो. द ट्राइंगल कैन बी कैसा भी लुकिंग, कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री तो जरूरी नहीं है इसमें हो. अशोक एग्जैक्टली, अशोक ऑसम, वेरी गुड, हो गया बस, वेरी गुड अशोक. एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके भेज दिया है चैट पे, और एकदम उसका परफेक्ट सोल्यूशन है. बाकी लोग भी बताओ बच्चों, सोचो. एबीसी ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम. हाँ हरी, अपन को वही थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहे हैं. व्हाट यू सेड इज करेक्ट, बट उसको जस्टिफाई तो करो छोटा सा. एक सेकंड,
कृष्णा बस हो गया करेक्ट सुपर्ब कृष्णा करेक्ट रीजनिंग सुपर्ब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मत सोचो इसमें कोऑर्डिनेट से भी प्रूव कर सकते हो बट लेंदी होगा जस्टिफाई करना मैं तो बोल रहा हूँ ओरली वर्बली सॉल्व करके बताओ हाँ शार्विल एग्जैक्टली वही करना है बट आफ्टर दैट होगा क्या वो अफाइन के बाद हाँ रचित सही है रचित सही है हियर हाउ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ए अरे ऑक्सिलरी सर्कल बन जाता है ना दर्शन दर्शन आफ्टर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन द एलिप्स बिकम्स ऑक्सिलरी सर्कल तो रेडियस इज नेचुरली ए करेक्ट धृति वेरी गुड सही है बट एक वर्ड मिस कर दिया आपने धृति वो वर्ड मेंशन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा करेक्ट विनय वेरी गुड विनय एकदम सही है कितने बच्चों को समझा अभी मैं सच में एरिया नहीं निकाल रहा इसमें इज देयर एनी बेटर वे तो अभी ऑब्वियसली बात है फ्रेश दिमाग में बैठा हुआ है तो अफाइन लगा दूं बच्चों अफाइन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये एलिप्स क्या बन चुका होगा सर्कल है ना और ट्राइंगल चेंज तो होगा ऑब्वियसली ये तो कोई नहीं रोक सकता इट विल बी न्यू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बट हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्राइंगल के बारे में एक चीज चेंज नहीं होगी ट्राइंगल के बारे में एक चीज चेंज नहीं होगी व्हाट इज दैट चीज सेंट्रोइड एरिया इज द एरिया सेम हां सेंट्रोइड विल नॉट चेंज देखो अगर चाहिए तो मैं ऐसे जस्टिफाई भी कर देता हूँ पूरा लेट्स टॉक अबाउट अ मीडियन तो एबीसी का मीडियन अपेरेंटली 0-0 से पास हो रहा है मैंने अफाइन लगाया तो ये बन गया ए डैश बी डैश सी डैश अब मुझे एक बात याद दिलाओ m का ट्रांसफॉर्मेशन इज लेट्स से m डैश तो m डैश इज स्टिल द मिड पॉइंट ऑफ बी डैश सी डैश लास्ट लेक्चर इसी का था तो ए डैश m डैश इज स्टिल द मीडियन और अगर am लाइन पासेस थ्रू 0-0 देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन विल आल्सो पास थ्रू 0-0 ये थोड़ी चेंज हो जाएगा ओरिजिन डज नॉट चेंज तो एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो भले ही कितना भी खींचातानी कर लो वो अभी भी ओरिजिन से तो पास होगी तो डू अंडरस्टैंड कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मीडियन बनेगा एम डैश वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये मीडियन ओरिजिन से ये मीडियन ओरिजिन से ये मीडियन ओरिजिन से तो ये तीनों मीडियन भी ओरिजिन से पास हो रही हैं तो मैं पूरा अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आई थिंक यू एनी वे अंडरस्टूड कि भैया आफ्टर डूइंग सो इवन आफ्टर डूइंग सो ये बोल सकता हूँ कि इसका सेंट्रोइड भी अभी 0-0 ही है दिस ट्राइंगल हैज सेंट्रोइड 0-0 अच्छा बट ये सर्कल है ना देन कोई मुझे बताएगा देन सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल क्या है बच्चों सर्कम सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कल 0,0 हाँ क्योंकि ये सर्कल हो चुका है ऑक्सिलरी सर्कल तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज द सर्कम सेंटर विच इज 0-0 अब सर्कम सेंटर 0-0 अरे अफाइन के बाद एलिप्स बिकम्स ऑक्सिलरी सर्कल ना भूल गया उचक के सब ए कॉस थीटा आई साइन थीटा हो जाता था याद आ रहा है बस सिंपल तो क्या हो गया बच्चों सेंट्रोइड और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ट्राइंगल बना है इसका सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड सेम है इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया इस केस में वेरी गुड क्योंकि दो ज्योमेट्रिक सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं देन इट मस्ट बी इक्विलेटरल और इक्विलेटरल है तो अब सबको चमक गया ये सबको एज अ फैक्ट तो पता ही है कि दिस ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया इन सर्कल सर्कल में विच ट्राइंगल हैज मैक्सिमम एरिया इक्विलेटरल अगर इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया सर्कल में है तो ट्राइंगल एबीसी का मैक्सिमम एरिया किस में होगा एलिप्स में ऑब्वियसली क्योंकि ओके अच्छा ये प्रूव करना पड़ेगा यार दिस आई विल हैव टू प्रूव तो या तो साइन लाइक साइन रूल से एएमजीएम कर सकते थोड़ा सा वो बनेगा एक्चुअली मैं आई थिंक
फंक्शन ऑफ थीटा बना के कर दूंगा मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, बट उसके लिए फिर थोड़ी देर लेक्चर के बाद रुक जाओ चलेगा क्या? हाँ ओके सर, पांच मिनट में हो जाएगा वो बता दूंगा। बट यार ये वैसे ऐसे तो पता ही है ना, मतलब काइंड ऑफ एज अ स्टेटमेंट तो लाइक वो हां सर, मतलब लाइक स्टेटमेंट से लाइक लगता है, बट लाइक प्रूफ साइन रूल से लाइक एएमजीएम कर सकते हो एरिया, मतलब देख ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से ही करूंगा, बट आई डोंट थिंक एग्जैक्टली एएमजीएम भी लग जाएगा, क्योंकि मतलब मैं कर देता हूं चिंता मत कर, मैं बता ही देता हूं। अगर तुझे लग रहा है कि एएमजीएम से हो जाएगा तो यू ट्राई इट, बट आई कैन प्रूव इट लाइक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। सर आप इक्विलैटरल क्यों होगा वो समझे सर? देख सेंट्रोइड तो ओरिजिन था क्योंकि ओरिजिनल का भी सेंट्रोइड ओरिजिन था, यस सर, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रायंगल का सर्कम सर्कल क्या है, ये वाला सर्कल ना विच इज लाइक ऑक्सिलरी सर्कल, तो इसका सर्कम सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर, बट इस सर्कल का सेंटर तो जीरो जीरो होता है ऑक्सिलरी सर्कल का, तो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड दोनों जीरो जीरो ही है, तो इसका मतलब है ट्रायंगल इक्विलेटरल सिंपल। अगर दो ज्योमेट्रिक सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब इट हैज टू बी इक्विलेटरल, और किसी में हो ही नहीं सकता। ओके सर। तो कितना सिंपल सा था, रीजनिंग वाला क्वेश्चन था ये, यू लिटरली डिड नॉट हैव टू सॉल्व फॉर एनीथिंग, रीजनिंग वाला था, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई 39 का सेकेंड पार्ट छोड़ देना बच्चों, 39 का सेकेंड पार्ट छोड़ देना, सेकेंड पार्ट में तो समझ गए, उसने फिर कॉन्जुगेट डायमीटर के बारे में कुछ 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 लिख दिया है, तो वी आर नॉट अ फैन ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, सिलेबस में नहीं है, तो हमको फोकट अपने आपको दुख नहीं देना है, तो थोड़ा टाइम है। हाँ हाँ मैं खाली डायग्राम बना रहा हूँ, मैं खाली डायग्राम बना रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ऐसा ले लो, ये पीपी डैश एक डायमीटर है और ऐसी एक क्यू क्यू डैश डायमीटर है, तो तुमसे बस जो पूछा है वो सॉल्व करो, ज्यादा मत सोचो। फाइंड द एरिया, ये थोड़ा घटिया डायग्राम बन रहा है, हैंडमेड है, ये वाला, ये जो रेड वाला डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम का एरिया निकालना है, सोचो। अच्छा नहीं, इनफैक्ट और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर। हाँ वो सेंट्रोइड वापस 0.0 पे क्यों लाया करेगा, एक बार एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ ठीक है, पूरा ही समझा देता हूँ। ये देख, अगर ये तेरा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और चल बीसी का मिड पॉइंट ले ले एम, तो मीडियन ओरिजिन से पास हो रहा है ना। हाँ अब देख, मैंने अफाइन लगाया तो सब कुछ चेंज हो गया ऑब्वियसली, ए डैश बी डैश सी डैश, बट एम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एम डैश, you understand m dash is still the midpoint, same नहीं midpoint रहेगा, same नहीं midpoint रहेगा, because हमने वो vertically किया है। हाँ हाँ, और a dash m dash अभी भी median ही हुई एक तरीके से। हाँ but ऐसे सोच, am का transformation is a dash m dash, am originally passes through origin, तो अब तो इसमें affine लगाएगा तो भले slope change होता है, but ये origin से तो अभी भी pass होगा obviously, yes sir, है ना, तो इसका मतलब है a dash m dash is still the median and it still passes through। Yes, sir, but बाकी तो medians भी change हो जाएंगे ना। हाँ तो change होने देना, but all of them can I say same argument से कि they will also pass through center, centroid, zero zero। अच्छा हाँ हाँ। एक median pass हो रहा है तो same logic, दूसरा भी zero zero से pass होगा, तीसरा भी zero zero से pass होगा। Because वही midpoint same रहेगा। Same, बस भाई, तो तीनों अभी भी origin से pass हो रहे हैं, तो तीनों का intersection point is origin, and centroid is still origin। Okay sir, thank you। Sir ये max area वो circle में रहेगा, तो हम लोग ने ellipse में कैसे बोल दिया? देख सर्कल में जो भी मैक्सिमम है, हर ट्रायंगल का रेशियो फिक्स है बी बाय ए, हर ट्रायंगल का रेशियो फिक्स है बी बाय ए, तो यहां पे जो मैक्सिमम है इसका आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स अफाइन, मतलब उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा, बी बाय ए टाइम्स ओरिजिनल का एरिया, और क्या, तो ये भी तो मैक्सिमम हुआ। अब देख ये वाला जो भी है इसका ए बाय बी टाइम्स ये बनेगा ना, और ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम रहोगा, रेशियो तो फिक्स है ना। अगर यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल है जो इससे ज्यादा है तो इसका अफाइन लगा के इससे ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, लाइक आर यू बाइंग दिस, नहीं समझ रहे ना, रियली इसका मैक्सिमम का फिक्स्ड रेशियो उसमें मैक्सिमम होगा ना। यस सर, हाँ रेशियो फिक्स है ना सबका। तो एक डाउट है, बोलो सर, लाइक आर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आल्सो कंसीडर्ड टू बी डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स? यस, जो भी सेंटर से पास हो रहा है सब डायमीटर है मेरे दोस्त।
सो मैंने 39 सम में लाइक मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को ले लिया और उससे लाइक मैंने आंसर निकाल दिया. हाँ बट वो थोड़ा वैसा हो गया यार, मतलब लाइक अजम्पशन टाइप का हो गया है ना, समझ रहे ना. हाँ मतलब सॉल्व करने के लिए ठीक है, आंसर निकालने के लिए ठीक है, बट वो अजम्पशन टाइप हो गया कि आप अज्यूम ही कर रहे हो कि ये वाला जो लाइन बनेगा जैसे ए बी सी डी है तो ए सी एंड बी डी आर मेजर एंड माइनर, तो वो नॉट टेक्निकली राइट. मतलब अरे बट वो भी क्यों, ये तो तुम्हें ज्योमेट्री से ही पता है ना, जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री ये पॉइंट और अपोजिट पॉइंट एकदम सिमेट्रिक है तो उस पर टेंजेंट्स भी एकदम सेम होंगी. ओके हाँ बट ये तो समस्या ना कि अगर ये अल्फा है तो इसका डायमेट्री के लिए अपोजिट टेक्निकली क्या होगा, ये ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा है तो ये माइनस ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा होगा ना, यानी इसका एंगल टेक्निकली पाई प्लस अल्फा हो जाएगा और इसका एंगल टेक्निकली पाई प्लस बीटा हो जाएगा. तो जो मेथड आपको समझ आ रही है आप ट्राई करो, जो मेथड आपको समझ आ रही है ट्राई करो. P037356 affine transformation is not explicitly mentioned in JE syllabus, but why did I teach? क्योंकि कुछ questions which are in JE syllabus can still be solved easily using affine transformation. इसलिए मैंने बताया. But technically no, JE syllabus में नहीं है. ये तो इनफैक्ट अपने like MSc में आता है ये concept. But एक छोटा सा part बस ये है कि जैसे आप देखो ये question 15th वाला, क्या ये क्वेश्चन पूछ सकते थे नॉर्मली? हाँ यार पूछ सकते थे. क्या ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकते थे? हाँ यार ये भी क्वेश्चन कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत एकदम हाईफाई क्वेश्चन है कि हमको चमकेगा नहीं, बट वी वर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इजिली यूजिंग अफाइन, इसलिए मैंने अफाइन मेंशन कर दिया, नो अदर रीजन. सर हमने जो अफाइन एरिया ऑफ अफाइन के लिए फॉर्मूला लिखा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा इक्वल टू ए बाय बी, उसके लिए ए ग्रेटर देन बी होना जरूरी है. हाँ पर इसी में लगाएंगे यार, समझ जाना भावनाओं को. अगर तेरा वर्टिकल एलिप्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा लेना, बट सुनना ज्योमेट्री का कोई लेना देना नहीं है हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स या टिल्टेड एलिप्स से. ओके सर. जो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है वही तुम वर्टिकल में भी बोल सकते हो, वही तुम टिल्टेड में भी बोल सकते हो. तो ये जो एरिया के रेशियोज है वो एलिप्स के लिए है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी हो, अपन बस अलोंग मेजर एक्सिस स्ट्रेच करना है, बस ऐसा है. 39 सोचो, दो मिनट और देता हूं. आई विल डू इट बाय टू मेथड्स बच्चों. और टेंजेंट का स्लोप फॉर्म निकाल के कर लो ट्राई, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. तो चारों टेंजेंट के क्वेश्चन बिल्कुल 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 चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो मेथड समझ आ रही करो, नहीं नॉट रियली, अपन करके देखते हैं. चलो दो मिनट और. हाँ अरे देखो ये बीटा है तो इसका टेक्निकली कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा है ना, और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट मतलब ये जीरो जीरो है तो वो वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस बीटा माइनस बी साइन बीटा है ना. तो माइनस ए कॉस माइनस बी साइन को मैं कॉस ऑफ पाई प्लस बीटा और साइन ऑफ पाई प्लस बीटा नहीं लिख सकता. यस सर. तो बस मैंने उसका सेंट्रिक एंगल पाई प्लस बीटा हो गया. एंड वो तो तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या, डायमेट्रिकल अपोजिट है तो उसका सेंट्रिक एंगल पाई प्लस थीटा ही होगा, समझ गया ना. सर्कल ही तो है एक तरीके से यार, थीटा पाई प्लस थीटा, उसको धीमे धीमे थोड़ा सा पिचका दिया तो ये वाला बिकेम दिस, ये वाला बिकेम दिस, ऐसा. बट वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है. मैंने इसमें ऐसा कुछ किया सर, मैं पहले अफाइन लगा के सर्कल बना दिया, उसके बाद सर पैरेलल टेंजेंट से जो एरिया आता है वो निकाला, फिर उसमें a by b मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट है? हाँ b by एक्चुअली, मैं वापस रिवर्स में लाओगे तो b by मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एग्जैक्टली हाँ, और मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मैंने एग्जैक्टली वही पूछा है. देखो अगर चाहो तो इसको छोटे तरीके से कर सकते हो और चाहो तो और ज्यादा छोटे तरीके से कर सकते हैं, तो अपन दोनों देख लेते हैं. सबसे मोस्ट ऑब्वियस आपको क्या समझ आ रहा है बताओ, क्या सर अफाइन लगा सकते हैं? क्यों, किस बेसिस पे आपने बोला कि अफाइन लगाओ? क्योंकि एरिया पूछा है, तो एरिया हो सकता है अफाइन से ज्यादा जल्दी आ जाए. चलो देख लेते हैं, लेट अस एक्सपीरियंस इट आवरसेल्फ्स.
तो ये ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रियलाइज नहीं होता पहली बार में। तो ये सर्कल बन जाएगा, पी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ये मैंने इसको मैं पी लिखे रहने देता हूँ यहाँ, पी अल्फा, बट ये सर्कल वाला अल्फा है, ठीक है, और ये पी डैश पाई प्लस अल्फा, प्रॉपर सर्कल पे भग गया ये डायग्राम, और उसके बाद ये क्यू डैश इज पाई प्लस बीटा एंड क्यू इज बीटा। वो पाई प्लस क्यों है? इलिप्स में पूछ रहा है कि सर्कल में पूछ रहा है? सर इलिप्स में। अच्छा देख, लिटरली वैसे अभी बताया तो था मैंने, ये ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा है, तो इसका डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, है ना, ऑब्वियसली बात है सेंटर, समझा समझा, तो वो पाई प्लस अल्फा लिख दिया मैंने उसको, इसेंट्रिक एंगल इज टेक्निकली पाई प्लस अल्फा। इसको सर्कल से भी विजुलाइज कर सकता है, इफ यू रिमेंबर अपन ने कैसे सर्कल से पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली थी। एनीवे अब ध्यान से देखो, तो मैं ये समझ आ रहा है कि अब जो डायग्राम बनेगा ये लिटरली, एक सेकेंड बना देता हूं, अरे अच्छा बना है क्या, अब बाहर में जाए, कितने बच्चों को समझा कि अब ये लिटरली 90 हो जाएगा, क्यों भाई क्यों? सर्कल का टेंजेंट सर। हाँ सर्कल, टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट, एलिप्स विल बिकम सर्कल, तो एंगल चेंज होकर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना, ये डायग्राम वैसे रोम्बस हो जाएगा, बट आई एम नॉट एक्सट्रैक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन, रोम्बस होगा तो होने दे, कैन आई स्टिल कॉल इट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो है ना। हाँ सर। ये देखो कितने बच्चों को याद आ रहा है पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है, याद आया बचपन में P1 P2 by sin theta, बोलो बच्चों। Yes sir. P1 क्या होता है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक सेकेंड, इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, और ये तो कितना है, व्हाट इज PP डैश, रेडियस, अरे डायमीटर, टू वे है ना। इन दोनों हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल जो लाइंस है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, P2, अबे ये भी 2 ही है, अच्छा साइन थीटा, थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये देखना सबसे अच्छा तो मेरे को ये पार्ट समझाना लगता है। देखो कितने बच्चों को समझा, ये एलिप्स पे जो पी पॉइंट अल्फा था, जैसे अफाइन लगाओगे तो ये उचक के क्या बन जाएगा, एक्चुअल सर्कल वाला पॉइंट बनता है, हाँ या ना, अफाइन के बाद। Yes. मतलब ये पी अल्फा जो है वो एक्चुअल सर्कल वाला अल्फा है, इज इट ओके इफ आई से, कि इसका मतलब ये एक्चुअल एंगल अल्फा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्योंकि ये सर्कल वाला। Yes, sir. Yes, sir. और कितने बच्चों से हमारा, देख मैं बोल रहा हूँ कि ये ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, जब अफाइन लगाते तो ये उचक के कहाँ आ जाता है, पूरी चीज चेंज हो जाती है, और उचक के कहाँ जाता है, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा ना, तो ये वाला एक्चुअल अल्फा होता है ना, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा वाला एक्चुअल एंगल अल्फा होता है सर्कल वाला। तो इनफैक्ट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इफ दिस वॉज योर मेजर एक्सिस, इफ दिस वॉज योर मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस, लेट्स से ये अल्फा होगा लिटरली, और लिटरली ये एंगल बीटा होगा, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी क्या हो गया, थीटा जो होता है ना वो क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा, तो साइन थीटा इज एक्चुअली दिस, ले आंसर ही आ गया, नहीं? Yes, सर्कल के केस में आया है, तो एलिप्स के केस में क्या कर लोगे, पी बाय बस हो गया खत्म, दिन चार, बोलो समझा, हाउ ऑसम वॉज दिस। बट मैं अब आपको दूसरा भी मेथड दिखा देता हूँ, लेट्स से यू डिड नॉट थिंक दिस थ्रू, मान लो तुम्हें नहीं चमका अफाइन, और वैसे ऑब्वियसली बात है अफाइन तो हमारे आपस की बात है, तो कुड वी नॉट हैव डन दिस विदाउट अफाइन, कर सकते थे, इससे थोड़ा सा लेंदी होता, तो वो भी बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन तब भी इजी है इवन विदाउट अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कैसे लिटरली चारों टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख सकता हूं विद इन सेकेंड्स, ए बी है टेंजेंट एट अल्फा, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अबे सर, हाँ दोस्त सर, वो बीटा माइनस अल्फा कैसे हो, अरे देखना सर्कल पे जब मैं एक पॉइंट लेता हूं अल्फा सर्कल पे, तो यही होता है ना लिटरली थीटा, एक्स एक्सिस से थीटा, हाँ सर, तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं बीटा, तो ये लिटरली बीटा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, हाँ सर, बीटा माइनस थीटा एक तरीके से, तो P1 P2 बाय साइन थीटा में थीटा क्या होता था, इफ यू रिकॉल थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू परपेंडिकुलर्स, या फिर एंगल बिटवीन दीज टू नॉन पैरेलल साइड, जो भी बोलना चाहो, तो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये देखो बच्चों सिंपल, कितने बच्चों को समझ रहा है कि मैं टेंजेंट से लिख सकता हूँ सीधे सीधे, दिमाग खराब मेरे को कुछ नहीं चमक रहा, तब भी ये इजी है, देखो अल्फा पे टेंजेंट कितने बच्चों को समझ रहा है, ये बन जाएगा,
तो पाई प्लस अल्फा पे लिखूं क्या, पाई प्लस अल्फा पे देखो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस वन, हाँ या ना, एक्स बाय कॉस पाई प्लस अल्फा वाई बाय बी साइन पाई प्लस अल्फा माइनस वन। मैं इसको तमीज से लिखता हूँ बिकॉज आई एम लिटरली एक्सप्रेसिंग देम एज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस से तो कोफिशिएंट सेम रखने की कोशिश करो एक्स और वाई, एक्स बाय कॉस अल्फा वाई बाय बी साइन अल्फा प्लस वन हो जाएगा, है ना। क्यू का टेंजेंट क्या बन जाएगा, एक्स बाय ए कॉस बीटा प्लस वाई बाय बी साइन बीटा माइनस वन। तो फिर डायमेट्री के लिए अपोजिट एंड पॉइंट पर क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स बाय कॉस बीटा प्लस वाई बाय बी साइन बीटा प्लस वन। सीधी बात, जैसे अल्फा के साथ हुआ था वैसे ही बीटा के साथ हो गया। अब मुझे बताओ अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स पता हैं, इफ आई नो ऑल फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम कैन आई राइट द एरिया, याद आ गया बच्चों? यस सर। लो दिनचक खत्म, सी वन माइनस सी टू डी वन माइनस डी टू, तो ये दोनों पैरेलल हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक याद है स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स, हां वहीं से उठा रहा हूं मैं वो, ऑफ कोर्स। तो C1 माइनस C2 मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट्स का डिफरेंस, ओहो 2। D1 माइनस D2 इन दोनों के कांस्टेंट्स का डिफरेंस, ओहो 2। A1 B2 याद करो, लिटरली ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आर द नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स में से क्या करते हैं, A1 B2 मतलब इसका x और उसका y, तो कितने बच्चों को दिख रहा है cos अल्फा sin बीटा और a और b, है ना, माइनस A2 B1, तो दिस इनटू दिस, तो क्या बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा बाय ए बी। तो कितना बन रहा है बच्चों, एलसीएम लो, 4AB अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, कितने बच्चों को समझा, वही आंसर आया। तो अपना अफाइन से तो ज्योमेट्री से हो गया था, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ठीक है। इज दिस ओके टू एवरीवन? यस सर। वो एरिया वाला कहां से आया, सीवन माइनस टू? यार ये तो आपको, हाँ वो मतलब किया था सर, हाँ स्ट्रेट लाइन में किया होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर साइड्स की इक्वेशन दी मैंने तो। एक बार सर, एंड दैट h1 h2 cosec थीटा इज एप्लीकेबल फॉर पैरेललोग्राम आल्सो राइट, p1 p2 बाय sin थीटा ना? हाँ हाँ यस सर, पैरेललोग्राम के लिए ही है। यस ओके, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ और होता है। नहीं आई थॉट इट वाज फॉर रोम्बस। नो नो नो, पैरेललोग्राम 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 सर। वो a1 b2 और a2 b1 क्या है? देख जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं व्हिच आर दिस एंड दिस, तो इफ इट दिस इज a1x b1 / c1 a2x b2 / c2, है ना, तो a1 b2 हाँ. मतलब इसका x * उसका y माइनस इसका x * उसका y, a1 b2 a2 b1 जैसा, याद आ रहा है कुछ? यस पक्का। अरे ऐसी दो लाइन्स है ना a1x b1 / c1, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है मान ले, b2 / c2 सॉरी d1, तो a1 b2 a2 b1 ये होता है, तो मतलब ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो इसका x into उसका y, तो cos अल्फा बाय a into sin बीटा बाय b ये रहा, और ऐसे माइनस इसका x into उसका y, तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों? यस। तो ये देखो अच्छे मजेदार क्वेश्चन हैं, आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही गंदे सम्स हैं, फालतू सम्स हैं, मतलब अपन इनको नॉर्मली भी कर सकते हैं, अफाइन से भी कर सकते हैं, तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो 44, बट 44 का आई एम आस्किंग यू कि डायग्राम 53 के सामने है, 44 इज टू बी डन वर्बली, 44 इज टू बी डन वर्बली। एरिया ऑफ वन काइट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज द डायग्राम इज सिमेट्रिक। टेक्निकली डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट विच पॉइंट विच लाइन मानस, और वन काइट का मतलब क्या, ये दिस इटसेल्फ इज अ काइट। अच्छा वो बोल रहा है ऐसा नहीं यार, मानव बी पी ओ क्यू, एरिया बी पी ओ क्यू इज नॉट सेम एज एरिया पी ओ क्यू डैश ए, ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं है, ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं है। तो अगर अलग अलग निकाल के करना है तो ठीक है, जैसे ये दोनों एरिया सेम है, ये और ये सेम है और वो सेम होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि लाइक डायरेक्टली आ रहा है तो वही कर लो ना, क्यों चार पार्ट में डिवाइड करना। 44 बच्चों ट्राई करो, आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट, स्पॉइल मत करना, किसी को भेजना है तो चैट पे भेज दो। हाँ ब्रायन, मुझे इनफैक्ट ये भी बता दे कि एट विच पॉइंट दे आर कॉन्करेंट,
अच्छा नहीं तूने लिख भी दिया, सही है सही है ब्रायन, ब्रायन सही है, हाँ 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 सही है सही है सही है। नहीं यार ओरिजिन मत बोल मानवी, उसको वापस से रिफ्रेश करके बोल, ओरिजिन मत बोल उसको। हाँ करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अब सही है। तो बाकी बच्चे भी ट्राई करके देखो। हाँ स्मिथ करेक्ट है, वेरी गुड। बस देख लो तुमने खुद ने ही इतनी देर में आंसर दे दिया, जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम यू ऑलमोस्ट टोल्ड मी द आंसर। करेक्ट हरी, करेक्ट हरी, सही है। नहीं कृष्णा उस डायरेक्शन में सोचना, सेंट्रोइड पेंट्रोइड पे मत जा भी, और सिंपली कर सकते हैं अपन, सेंट्रोइड भी मत बोल यार जे, सेंट्रोइड नहीं, हाँ अमोग सही है। थोड़ा सा एक काम करो, डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करके देखो ना, देन सी क्या बन रहा है, डायग्राम को ट्रांसफॉर्म करके देखो देन सी क्या बन रहा है। उसने बोला है ऐसा, तो दो मिनट रुकिए। हाँ मैं कुछ नहीं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे डायग्राम बना रहा हूं। मैं उसका हो सकता है नोटेशन कुछ और हो, मैं उसका नोटेशन कुछ और हो, पता नहीं कुछ और ही होगा उसका नोटेशन, एक सेकंड देख लेता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा ये डी ई एफ है, यस और ये पी क्यू आर है, मिड पॉइंट्स। तो प्रूव दैट दीस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, तो करके बताओ प्रूव। सर ये वाला क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा, कैसे करें, लाइक ज्योमेट्री से कि कैसे? इलिप्स से मत करो, इलिप्स के लिए फिर तुम्हें डायमीटर वायमीटर पढ़ना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अपन को इलिप्स से करना है क्या? आर वी गोइंग टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स इन दिस? नो, नहीं अफाइन। हाँ तो फिर अफाइन के बाद तो वो इलिप्स बचे ही नहीं, इट इज सर्कल, सोचो अब सर्कल तो बहुत आसान होता है, ट्राई करो। हाँ प्रजस रुचिर सही है, सबका अभी तक सही है, अशोक सही है। अगर वो दोनों वो तीनों पॉइंट्स कॉन्करेंट होगे तो इन सेंटर होगा जहां पे होगे, तो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, लेट्स सी। हाँ अमन करेक्ट, अमन एकदम परफेक्ट सही है। तो अगर एलिप्स के नॉलेज से करना चाहो तो इसको एलिप्स के नॉलेज से भी कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको डायमीटर और उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो डायमीटर सिलेबस में नहीं है तो अपन जबरदस्ती नहीं करते हैं, ज्यादा नॉलेज कैन ऑल्सो बी फेटल। अरे रचित तो बहुत ज्यादा सोच रहा है, रचित थीटा पीटा लेने की जरूरत ही नहीं, तो बहुत ज्यादा सोच रहा है। नेक्स्ट तो बस डायग्राम बनाओ और वहीं पे जस्टिफाई कर दे। हाँ ईशान सही है, रचित तू बहुत हाई फाई सोच रहा है, बस डायग्राम बना के तो देख। हाँ आशुतोष सही है, सही है सही है, बहुत रीजनिंग दे रहे हो यार तुम लोग, इतना नहीं, अरे दो लाइन में समझ ही आ रहा है। अफाइन लगाओ तो क्या बनेगा बताओ, अफाइन लगाओगे तो क्या बन चुका होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? टेंजेंट्स तो टेंजेंट्स रहेंगी, ये फैक्ट कोई भी किसी के बापूजी भी चेंज नहीं कर सकते, टेंजेंट्स विल रिमेन टेंजेंट्स, है ना? तो अब मैं डैश वाइज भी नहीं लिख रहा, वो भावनाओं को समझो। मिड पॉइंट्स विल रिमेन मिड पॉइंट्स, यस और नो? मिड पॉइंट्स विल रिमेन मिड पॉइंट्स, हाँ। बट एलिप्स हैज बिकम, एलिप्स हैज बिकम सर्कल, तो ये पूरा चीज ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया? सर्कल ना। अब मुझे तो इसके सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो AE एंड AF आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और EF का मिड पॉइंट P है, तो AP को एक्सटेंड करने पे क्या होगा बताओ? ये तो अपन मतलब इतने अच्छे से जानते हैं ना, बचपन से ये करते आ रहे हैं, कि ये वाला लाइन याद आ रहा है, ये वाला लाइन याद आ रहा है, ये किससे पास करेगा?
सेंटर ऑफ द सर्कल एपी बी क्यू एंड तीसरा कौन था सी एफ ऑल पास थ्रू सबको पता ही है सेंटर ऑफ सर्कल तो तीनों अगर सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ऑल थ्री आर कॉन्करेंटेड सेंटर है ना और सर्कल में प्रूव कर दिया तो इसको यहां पे अज्यूम कर सकता हूं क्या इसको दबा दो डायग्राम को तो भी कॉन्करेंट रहेंगे है ना तो यहां पे भी कॉन्करेंट बोलो ये देख के ही हो जा रहे हाँ मैं वही बोल रहा हूं देख के ही करना था करेक्ट निश्चित बस देख के ही करना था और कुछ भी नहीं ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सम से कि अगर आप यूं करने जाओगे तो हो सकता है नहीं भी बने हो सकता है लेंदी हो जाए बट इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली हो रहे हैं तो मैंने आपको ये बस ऐसे इट्स नॉट सच अ बैड आइडिया टू स्पेंड लाइक 40 मिनट्स ऑन दिस मजेदार क्वेश्चन से अफाइन के बिना फिर डायमीटर यूज करना पड़ता डायमीटर आता है डायमीटर की प्रॉपर्टीज बताए क्या हाँ तो फिर छोड़ देना वो फिर ऐसा डायमीटर का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड मीट ऑन द डायमीटर व्हिच बाइसेक्ट्स इट ये प्रॉपर्टी सर ये पता है लास्ट क्लास में सर ने करवाया था अंशुल सर ने वाह यार ये मतलब वैसे सिलेबस में नहीं है कभी कब भी काम नहीं आएगा कब भी काम नहीं आएगा तो बिल्कुल एकदम इच्छा से उसको इग्नोर कर सकते हो कभी काम नहीं आएगा बट अगर वो पता है तो फिर बहुत इजीली हो गया ये देखो बच्चों अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है सुन लो कि टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड इंटरसेक्ट एट द डायमीटर विच बाइसेक्ट्स इट ये पता है तो लो ऐसे ही हो गया कैसे मतलब ये देखो बिना इसके हो गया सब लोग सुन लो ये देखो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ई ए एंड एफ ए आर टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस कॉर्ड ई एफ तो दे इंटरसेक्ट एट द डायमीटर विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड तो ध्यान से देखो ये मिड पॉइंट है कि नहीं बताओ ये मिड पॉइंट है तो डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है डायमीटर पी से भी पास होगा और डायमीटर ए से भी पास होगा बाय प्रॉपर्टी तो ए पी इज अ डायमीटर यस और नो इलिप्स का डायमीटर है कि नहीं बताओ डायमीटर है तो बी क्यू भी डायमीटर है तो सी एफ भी डायमीटर है और ऑब्वियस सी बात है सारे डायमीटर इलिप्स के भी कॉन्करेंट होते हैं तो अगर वो प्रॉपर्टी पता थी तो बिल्कुल सही है बट वो प्रॉपर्टी यूजली पता नहीं होती डायमीटर यूजली ऐसे मेंशन किया नहीं जाता क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है जेई से कोई लेना देना नहीं है सो वो डायमीटर की ये प्रॉपर्टी भी सारे कॉनिक्स के एप्लीकेबल है हां ओके सर ये सर ने मतलब लिखवाया था एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला इसलिए डाउट हां तो मेंशन करना भूल गए होंगे बट ऑब्वियस सी बात है सबके लिए एप्लीकेबल ओके सर मतलब ऐसा रहता नहीं कि पैराबोला में बोल दो एलिप्स का तो बच्चे भी सोचने लगते कि सर एलिप्स में क्यों तो सर ने इसलिए मना कर दिया उस टाइम नहीं बोला बट ऑफ कोर्स सबके लिए ट्रू है ओके सर बट फिर भी मैं बोल रहा हूं नो नीड टू रिमेंबर दिस ये प्रॉपर्टी मत याद रखो क्योंकि हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने आप को कि यार क्या क्या याद रखना है क्या क्या नहीं रखना है कहीं कहीं जगह पे एक दो छोटी मोटी चीजें अगर हेल्प कर रही है तो याद रख लो बट अगर कुछ ज्यादा आहार बाहर की चीजें तो भूल सकते हो यार डायमीटर की प्रॉपर्टी ये होती है कोई भी कोनिक ले लो एनी कोनिक टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड इंटरसेक्ट एट द डायमीटर Which bisects it. तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हुआ एक डायमीटर होगा वो इस पॉइंट से पास होगा वैसे डायमीटर की दो प्रॉपर्टी सीखी होंगी आपने टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ये टेंजेंट भी उन्हीं कॉर्ड्स के पैरेलल होता है जिनको डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है yes, sir. Yes, sir. But, कोई काम करने कोई काम करने कोई काम करने फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे ये तो यूज आ गया कोई जरूरत नहीं है कोई काम का नहीं है फिर बोल रहा हूँ भूल सकते हो प्रॉपर्टी वैसे ही याद रखने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है फोर्टी फोर के बाद कौन सा दिया था 80 कितना ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन है 80 ध्यान से सोच के करके बताओ कितना प्यारा पप्पू क्वेश्चन है वन स्टेप सोल्यूशन
ब्रायन वेरी गुड, सही है आ गया होगा. वन स्टेप सॉल्यूशन, यूजुअली यू वुड डू दिस बाय इंटीग्रेशन. डायग्राम बनाओ कि डायग्राम भी खुद से ट्राई करोगे. सर 3 मिनट. चलो डायग्राम बना देता हूं मैं. ये एक फोकस है और ये एक पॉइंट है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. तो अगर किसी को नहीं समझाओ तो यहां रेफर कर लो, ये एरिया मांग रहा है, ये एरिया मांग रहा है. हाँ ब्रायन एग्जैक्टली, बहुत ही ऑसम. यू आर थिंकिंग इन द एग्जैक्ट डायरेक्शन विच आई वॉन्ट यू टू थिंक. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. देखो कितने मजेदार सम्स है, मतलब लिटरली एक एक लाइन में हो रहा है तो कोई बुराई भी नहीं है. ऐसे 4-5 क्वेश्चंस कर लो तो. उल्टा लिख दिया, दिस माइनस दिस होगा अशोक, उल्टा बोल दिया. सही है, बस उल्टा लिख दिया. सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बाकी बच्चे ट्राई करो. वेरी गुड स्मिथ, वाह यार बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो खुश कर दिया. बहुत अच्छा सोच रहे हो आज, वेरी गुड. हाँ हरी सही है, कर दूं क्या बच्चों का? ऑलमोस्ट कितने सारे बच्चों ने तो ऑलरेडी लिख ही दिया. क्या है इसमें सबसे ऑब्वियस यार? ये एरिया फेरिया मुझे तो नहीं आता, और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अभी फिलहाल औकात के बाहर है, तो अपन कर लेते हैं. हाँ फाइन, अच्छा एक मिनट सोच देता हूँ. हाँ जय सही है, जय करेक्ट. चलो मैं एक मिनट में आता हूँ, तुम लोग ट्राई कर लो. जिसका हो गया वो 40 जो दिया था, 42 कौन सा दिया था वो ट्राई कर लो. मैं एक मिनट में आ रहा हूँ. हाँ, ये देखो सर, एक सेकंड हो गया. अच्छा अच्छा हाँ अमन सही है. हाँ पार्थ वेरी गुड सिंपल. तो ये एरिया कितने बच्चों को समझ गया? अबे कितने बच्चों को समझ गया? ये ओरिजिनल थीटा होगा, अगर वो पी पॉइंट एक और एसाइन है तो ये ओरिजिनल थीटा होगा. तो कितने बच्चों को समझा कि ये? हाँ सिद्धि करेक्ट, प्रजस सही है, पार्थ एकदम सही, वेरी गुड बढ़िया. तो सबको दिख गया कि अबे ये एरिया क्या है.
सेक्टर माइनस ट्राइंगल. सेक्टर का एरिया क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा. और एरिया ऑफ ट्राइंगल और ज्यादा आसान है. हाफ बेसिस ए, बेसिस ए और हाइट क्या है? ए साइन थीटा. ए लो आंसर ही आ गया. अबे है ना. और इसको अफाइन बैक कर दोगे तो ए इलिप्स के केस में क्या जाएगा? हाफ ए बी टाइम बी बाय से मल्टीप्लाई कर दो. लो धिनचा. अबे मस्त खत्म. लाइफ इज इजी. 40 और ट्राई करो, उसके बाद लाइफ विल बी नॉट इजी. उसके बाद वाले क्वेश्चन सुप्रीम जहरीले हैं. 40 ट्राई करो. सर एक सिली डाउट था. बोलो. तो इधर आपने फोकस का कोऑर्डिनेट चेंज क्यों नहीं किया? लाइक बिकॉज़ ऑफ फाइन. एनी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस विल इट चेंज आफ्टर अफाइन? ओ सॉरी सर, सॉरी है ना, अफाइन के कारण खाली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है. तो ए कॉमा जीरो रिमेंस ए कॉमा जीरो. x two upon two equals to one का distance from O. हाँ प्राइम सही है. two upon two क्यों लिखा बैठा हुआ समय? two upon two equals to one का distance from O which lies on the letter ellipse. नहीं बट वो सेंट्रोइड क्यों का ये भी तो जस्टिफाई करो ब्रायन. व्हाई विल इट बी सेंट्रोइड आल्सो? और ट्रायंगल पीक्यूआर का सेंट्रोइड चाहिए, पीएबी का. सॉरी नहीं, अभी आई एम नॉट फीलिंग जस्टिफाइड येट ब्रायन. आई डोंट फील जस्टिफाइड एकदम 100%. सोचो थोड़ा सा और. हाँ अशोक ये जस्टिफाई करना है जो तूने बोला है ना. अशोक व्हाट यू हैव सेड इज कंप्लीटली करेक्ट बट उसको जस्टिफाई करो. अब वो प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है हो गई ट्रू. बट बस उसको जस्टिफाई कर दो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है एग्जैक्टली, हेंस दिस इज ट्रू. ऐसा अशोक फिर लेंदी सोच रहा है. प्योर ज्योमेट्री से हो जाएगा. अशोक फिर से लेंदी सोच रहा है. प्योर ज्योमेट्री से हो जाएगा. कोऑर्डिनेट फॉर्डिनेट यूज करना ही नहीं है इसमें. प्योर ज्योमेट्री से हो रहा है तो प्योर ज्योमेट्री से कर लो. हाँ ब्रायन सही है. हाँ ब्रायन सही है, आप सही है.
सेंट्रोइड विल लाई ऑन सर्कम सर्कल, तूने फिर से सेकंड लाइन गलत लिख दी, सेंट्रोइड विल लाई ऑन सर्कम सर्कल, लाइन गलत लिखी तूने, फिर से सोच ले क्या बोल रहा है, सर्कम सर्कल गलत लिख दिया तूने। तो कहने के लास्ट टू मिनट क्या 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 हुआ, फिर दो मिनट दे सकते हो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुमको इतना चमकना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहां से करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही कहां से करूंगा। सर एलिप्स को सर्कल में बदल लेंगे। हाँ अब मुझे साला एलिप्स लेना ही नहीं है, मेरे को डायग्राम भी नहीं बनाना, तो तुम इस पूरे क्वेश्चन को डायरेक्टली सर्कल से ही स्टार्ट करो, तो ट्राई करो। सर वो दूसरा उसका डायरेक्टर सर्कल बन रहा है। नहीं डायरेक्टर नहीं, टू ए बन रहा है, फिर से देख रूट टू ए तो ही बन रहा है। हाँ टू ए बन रहा है वो एक्चुअली में, ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या, अबे भाग ये तो मौत हो गई, रुको कहने दो, नहीं ज्यादा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये ठीक हो जाएगा। अरे भाई यार ये चल जाएगा, सोचो हाँ अक्षर ठीक है, प्रजेश मुझे नहीं समझा रही, एक सेकंड, नहीं भाई वही उल्टा बोल दिया, एपीबी क्यों स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया तूने, एपीबी स्ट्रेट लाइन क्यों जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर ट्राइंगल बनेगा। अरे मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए था यार, बट अब चलो जो हो गया सो हो गया, ऐसा ट्राइंगल बनेगा है ना, ऐसा ट्राइंगल बनेगा, और ऑब्वियसली बात है सर्कल में टेंजेंट बनता है तो और साथ ही साथ क्या बनता ही है, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर। यार अर्जुन क्या लिख रहा है, सेंटर का मिड पॉइंट। विनय दो मिनट रुक जा, मैं इनफैक्ट यहाँ पर विनय क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ इफ यू हैव सीन इट्स डन इन दिस डायरेक्शन ओनली तो एकदम करेक्ट है, मैं कर ही देता हूँ, करूँ क्या कि और टाइम चाहिए, अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो साथ ही साथ क्या एक्स्ट्रा बनाते हो, टेंजेंट बनाते हो तो साथ ही साथ क्या बनाते हो, रेडियस, क्या बोल रहे हैं, रेडियस रेडियस रेडियस, ठीक है तो ये 90 हो गया, तो अपन थोड़ा ज्योमेट्री यूज करने की कोशिश करें क्या, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर दिया हुआ है, ये समझाओ कि समझते हो, ये ए है और ये 2a है ना, बोलो ये समझाओ कि समझते हो, yes, sir. बस देखो देखते जाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सर्कल सेंटर और खत्म 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 हो गया। एक काम करते हैं, हाँ बोलो 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 सर, आपने डायरेक्टली सर्कल से चालू किया था? हाँ एग्जैक्टली okay. मैंने बोला बाहर में जाए लिफ्ट, मेरे को डायग्राम ही नहीं बनाना, अगर सर्कल में ट्रू हो तो ऑब्वियसली बात है उसको पिचकाने के बाद इसमें भी ट्रू होगा, तो मैं सर्कल में ही प्रूव कर रहा हूँ ऐसी तैसी लिफ्ट की। तो ये देखो, ये मुझे जस्टिफाई करना है कि एम इज द सेंट्रॉइड, मुझे जस्टिफाई करना है कि एम सेंट्रॉइड ट्रायंगल पीएबी का, ये लो जस्टिफिकेशन, ये देखो अगर ये ए है और ये 2a है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये एंगल कितना हो गया 30, a upon 2a यार 1 upon 2 is sin 30 है ना, और ये 30 है तो ऑब्वियसली ये भी 30 है, और ऊपर वाला एंगल 60 है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या है 60 60, कितने बच्चों को समझा, अभी जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ट्राइंगल ए पी ए भी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मुझे एम जस्टिफाई करना है इज द सेंट्रोइड, तो कितने बच्चों को ये चलेगा, इसको डी बोल देता हूं, ये ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये भी, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ये डिस्टेंस ए है और ये 60 है तो ये 30 है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, डायग्राम थोड़ा मैसी हो रहा है, ये ए बाय टू चलेगा क्या बच्चों को, ए साइन 30, ठीक है ये ए बाय टू है, और ऑब्वियसली बात है यहां से लेकर यहां तक, सेंटर से लेकर यहां तक रेडियस ए है क्योंकि छोटे सर्कल का रेडियस है, तो ये छोटू भी क्या होगा ए बाय टू है ना, और ओएम ओएम इज ए तो एमपी इज ऑल्सो ए, ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ रेडाई, ये 2a है और ये a है तो ये सबको समझ आ रहा है, दिस इज ऑल्सो ए, तो कितने बच्चों को समझ रहा है, इसको मैं डी नोटेशन दे देता हूँ यार, पीएम अपॉन एमडी is 2:1 yes or no, क्योंकि PM distance
स्मॉल ए है और एम डी डिस्टेंस ए बाई टू है, तो पी एम अपॉन एम डी 2:1 है, तो ऑब्वियसली बात है पी एम अपॉन एम डी 2:1 है, तो एम मस्ट बी मीडियन को कौन डिवाइड करता है 2:1 में, सेंट्रॉइड, तो जो सर्कल वाला पॉइंट था इट इज सेंट्रॉइड, तो इसका मतलब है ट्रायंगल पीएबी का सेंट्रॉइड लाइज ऑन इनर सर्कल, लाइज ऑन इनर सर्कल, बस खत्म इनर सर्कल, अब इलिप्स में सोचने नहीं, हो गया इलिप्स में मीटर हुआ, चलेगा सबको समझा, तो अच्छा क्वेश्चन था यार ये भी, मुझे तो बहुत मजा आया था पहली बार देख के, तो आई होप आपको भी थोड़ा मजा आया हो। पॉइंट P के लिए समझा, पर आप A और B के लिए भी कैसे बोल सकते हो सेम रहेगा, सेंट्रोइड लाइक करेगा, कोऑर्डिनेट सब चेंज हो जाएंगे, ट्रायंगल विल नॉट बी इक्विलेटरल एनीमोर आफ्टर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बट सेंट्रोइड तो अभी भी लाइक करेगा ना, देख सॉरी, अरे ये समझना है बात को यार, अभी जो ट्रायंगल है और इसका सेंट्रोइड वो उस वाले कर्व पे लाइक कर रहा है, नहीं तो नहीं तो वो समझा सर, बट लाइक यहाँ पे तो 2:1 रेशियो आ गया, बट अब पॉइंट ए और बी के लिए भी कैसे बता सकते हो कि सेम ही रहेगा, ये समझा, ये मीडियन है सर, वरना हम पीएम इक्वल टू एमओ इक्वल टू ए है एंड सेंट्रोइड द सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ पीओ, सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ पीओ, सर्कमसेंटर किस चीज का सर्कमसेंटर सर, ट्रायंगल पीएबी का, पीएबी का सर्कमसेंटर इज पी, अच्छा ओके 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 या फाइन, अरे हाँ तो वही बात हो गई रे बाबा, वही बात हां मतलब वही, मतलब वो नहीं समझा लाइक नहीं, बट ये भी सही है ना, अबे नहीं ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सीमी बातें हैं, अरे अगर ये समझता है कि ये लाइन मीडियन है, तो मीडियन को 2:1 में कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है, एक मीडियन की बात कर रहा हूं मैं, तीनों मीडियन की भी जरूरत नहीं है, एक मीडियन को 2:1 में कौन डिवाइड करता है, yes, sir. Okay, got it, sir. बस खत्म, मुझे दूसरी मीडियन से क्या लेना देना, ये सेंट्रॉइड ही होगा और सेंट्रॉइड सर्कल पे लाइक कर रहा है, खत्म कहानी, मुझे दूसरे मीडियंस के लिए जस्टिफाई करना ही नहीं है, हाँ आपको a by 2 कैसे आया, देख ये समझा था कि ये 30 है क्योंकि ये a है और ये 2a है, तो this upon this is 1/2, तो ये 30 ये 30 ये 60 ये 60, तो ये भी 30 है ना, ये वाला देख, ये मैं डायग्राम बना नहीं पा रहा, यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, ये भी 30 है, तो अगर ये a है और ये 30 है तो ये a by 2 हो गया है ना, a sin 30, और OM, OM distance is also A, radius of the inner circle, और ये A by 2 है तो ये छोटू भी A by 2 हो गया, A by 2 plus A by 2 should be A, है ना? Thank you. Radius of bigger circle 2A कैसे आया? मेरे भाई देखना, बड़ा circle, बड़ा वाला ellipse ये दिया था शायद, x square by a square plus y square by b square equals to 4, है ना? तो 4 को यहाँ पे transfer कर दो, तो बड़ा वाला ellipse ये था, तो इसका अफाइन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, है ना, अफाइन के बाद ये ऑक्सिलरी सर्कल बन जाता है, तो इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल वो है 3-4, ठीक है, चलो तो ये अपने अच्छे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट सम्स हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट रियली स्वीट, इट इज जहर, और पुरानी लेक्चर की थ्योरी को रेफर करे बिना हो गई नहीं, रेफर टू लास्ट लेक्चर का थ्योरी, लास्ट लेक्चर जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसका काम होगा ही होगा, बिना उसके नहीं हो सकता, फर्स्ट पार्ट सोच के बताओ, रेफर टू लास्ट लेक्चर पीडीएफ नोट्स, बिना उसके नहीं कर पाओगे अभी, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, सर वो डायरेक्टली वो 4 डिग्री इक्वेशन को डायरेक्टली हम लाइक यूज कर सकते हैं ना, ये तो लास्ट ट्रांसफर इधर भी आता है, हां वही से एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन, यू आर राइट, हां सो फिर तो एक ही स्टेप में आंसर है सर, हां तो आने देना सेकंड पार्ट करके बता, बहुत ट्रैशी सम है सेकंड पार्ट उसका, फर्स्ट पार्ट तो अगर इफ यू डायरेक्टली यूज दैट दो लाइन में आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली ट्राई करो दो लाइन में आ जाएगा, सेकंड पार्ट करके बताओ, सडनली यू विल बी लाइक कि ये क्या हो गया एकदम से, अब ये कैसे करूं, सोच के बताओ, चलो ये इक्वेशन आई एम अज्यूमिंग आप लोग पिछले वाले पीडीएफ में से उठा चुके हैं, और मुझे ये पता है इसके रूट्स क्या क्या होते थे, सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा सिस डेल्टा,
फर्स्ट पार्ट अगर तुम्हें ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस ये कैसे निकालोगे बताओ? कौन बता रहा है मुझे? हाउ आर यू गोइंग टू डिराइव फर्स्ट पार्ट? एनीवन? सर सिस अल्फा समेशन सिस अल्फा सिस बीटा इक्वल्स टू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स तो इस का S2 literally क्या हो जाएगा बच्चों? Z square का coefficient. हाँ, minus times coefficient of Z square upon coefficient of Z4. जरा Z square का coefficient ढूंढना बच्चों. सब plus ना? अरे sorry. हाँ, sorry. Yes, sir, zero हो जाएगा. हाँ, very good. Z square है ही नहीं, देख लो पूरी equation में. First question directly हो गया. हाँ, तो इससे मिल रहा है summation of sys of alpha plus beta is zero. तो समेशन सिस मतलब सारे कॉस 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 और सारे साइन 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 सेपरेट कर लो तो ये जीरो तो इससे सीधे कंक्लूशन इज समेशन कॉस अल्फा भी जीरो समेशन साइन अल्फा प्लस बीटा भी जीरो बट डू नॉट फॉरगेट इसमें कितनी टर्म्स हैं इज दिस साइक्लिक समेशन और इज दिस टेकन टू टू एट अ टाइम ऑल साइक्लिक है क्या ये कितनी टर्म्स हैं टू टर्म्स हाँ बट टोटल इसमें समेशन में कितनी टर्म्स हैं छह अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा सिक्स सिक्स टाइम्स का सम जीरो होगा ठीक है तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप लोगों को चमक गया सेकंड इज ट्रैश बट सॉल्व करके बताओ सर कैन यू गिव टू मिनट्स हां 2 मिनट में नहीं होगा आई विल गिव यू 5 मिनट्स नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं समेशन कॉस अल्फा नहीं तुम ट्राई करो Prove that summation cos alpha into summation sec alpha is 4. और कुछ बीच में reasoning करना हो तो कर लेना कुछ ऐसा है पूछना हो तो पूछ लेना doubt सर आप ऊपर question में बोले थे कि sigma दोनों symmetric summation नहीं है सर symmetric तो होगा है ना सर alpha beta सब एक एक बार आ गए मैंने symmetric नहीं मैंने cyclic बोला था हाँ साइक्लिक में चार ही बनते हैं अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस डेल्टा एंड डेल्टा प्लस अल्फा चार ही टर्म बनते हैं बट दिस इज नॉट साइक्लिक दिस इज एवरी पॉसिबल टर्म टेकन टू टू एट अ टाइम तो अल्फा बीटा भी आएगा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा तो छह टर्म ठीक है साइक्लिक होगी वो कब पता चलेगा जब वो साइक्लिक मेंशन करेगा अच्छा ओके है ना एस टू का मतलब क्या होता है टेकन टू टू एट अ टाइम तो कितने होंगे फोर सी टू मतलब छह होंगे पेयर Okay. अच्छा वैसे आपका पीएनसी नहीं हुआ है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अरे मैंने दोस्त अभी बताया तो सही छह टर्म्स कैसे होंगे या तो काउंट कर ले रहे अल्फा प्लस बीटा का बनेगा एक अल्फा प्लस गामा भी बनेगा क्योंकि टेकन टू टू टाइम में अल्फा और गामा लोगे एक बार अल्फा डेल्टा लोगे तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा ये छह टर्म्स बनेंगे ना टेकन टू टू टाइम में फोर सी टू मतलब छह वेज हैं छह कॉम्बिनेशन हैं ये साइक्लिक समेशन ये पीएनसी का पार्ट है नहीं जस्ट अ नोटेशन और कुछ नहीं So would you recommend the learning the 4 degree question? दूर दूर तक नहीं धृति बिल्कुल भी नहीं No recommendation regarding learning the 4 degree question. बिल्कुल भी नहीं ये तो मैं जो सिखाया उस पर ऐसे ऐसे दो तीन ट्रैशी क्वेश्चंस करा रहा हूँ बट लिटरली मैं खुद ही बोल रहा हूँ ट्रैश क्वेश्चंस हैं ट्रैश मतलब ट्रैश तो इसमें से याद रखने वाला कुछ भी नहीं है जस्ट जो अपन ने किया उसी पे क्वेश्चन बना के उसी टाइम कर लिया बस जब जेई पूछता ही नहीं तो अपन को दिमाग लगाने नहीं है sec को we can write as cos using LCM and use equation again using Vita's formula अशोक you're in the right direction but नहीं आएगा करके बता सोच जरा
कितने बच्चों को समझ रहा है कि वो पूछ रहा है समेशन कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा मतलब वन बाय कॉस अल्फा, कॉस अल्फा नॉट सी अल्फा। हाँ आशुतोष ने लिखा है सही है आशुतोष, व्हाट यू हैव रिटन इज करेक्ट, बट वो निकालेगा कैसे? चलो इतना भी ठीक है, मैं कुछ बच्चे बोल चुके तो मैं इतना लिख देता हूँ। कैन यू गिव 5 मिनट्स प्लीज? हाँ हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम जस्ट थोड़ा सा ऐसे क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूँ और तुम लोगों से आंसर निकल पाऊंगा। ये निकालना है वैल्यू, सोचो जरा। में कॉस डेल्टा भी आएगा ना? हाँ तो समीशन में आ जाएगा ना, न्यूमरेटर में तो टेक एम 3 रे टाइम होगा। चल अगर ये भी कंफ्यूजिंग, मैंने समीशन लिखा हुआ है वैसे, तो इट्स बेसिकली S1 S3 बाय S4। अब ठीक है? अच्छा यस सर। हाँ सर वो समेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्टली नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली, वो तुम निकाल ही नहीं सकते इधर से, किधर से? हाँ विनायक करेक्ट, वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ ब्रायन करेक्ट, नो इट विल नॉट बी लॉन्ग दो, इट विल नॉट बी लॉन्ग। ब्रायन सही बोल रहा है, विनायक सही बोल रहा है। कितने बच्चों को समझा ये इस क्वेश्चन के लिए? ये वाला सब्स्टिट्यूशन हक दिया, कैसे बताऊं? सेकंड पार्ट के लिए ये सब्स्टिट्यूशन हक दिया, कैसे बताऊं? समेशन कॉस अल्फा तो हम निकाल लिए थे, समेशन सेक अल्फा निकलेगा ही नहीं इससे। तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि सर जेड की जगह 1/z डाल दो, है ना? तो जेड की जगह 1/z डालने से इक्वेशन के रूट्स में क्या फर्क पड़ता है? 1/6 हो गया है, क्या 1/6 हो जाएंगे? कितने बच्चों को समझ आ रहा है 1/6 मतलब 1/6 बिकम्स दिस, मतलब 1/ cos + i sin ना, वो बेसिकली cos माइनस आई साइन होता है, सेकंड ही बनता है वो cos माइनस आई साइन बनता है। तो इसके रूट्स का रेसिप्रोकल अभी भी cos और sin के टर्म्स में ही है, sec तुम बना ही नहीं सकते, यू कैन नॉट क्रिएट sec आउट ऑफ इट। तो क्या करा जाए बच्चों? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है किसका कुछ लेना देना ही नहीं है को नॉर्मल पॉइंट से, वापिस से रीडिराइव। ये जो तुमने लिखा है ना बच्चों S1 S3 S4 की समेशन cos अल्फा समेशन cos taken 3 at a time मल्टीप्लीकेशन कॉस अल्फा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये किस इक्वेशन का S1 S3 S4 है? क्या ये इस इक्वेशन का S1 S3 S4 है? क्या ये इस इक्वेशन का cos के टर्म्स? हाँ ये तो इसके लिए किसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी? लेट मी रिफ्रेश द क्वेश्चन, इसके लिए किसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी बोलो? cos के टर्म्स। हाँ cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा नहीं, cos cos अल्फा cos बीटा cos गामा, हां सिर्फ cos cos थीटा में 4 डिग्री बनाओ। कितने बच्चों कहते हैं लास्ट लेक्चर मैंने बस ऐसे वर्बली मेंशन किया था कि अगर तुम चाहो तो tan थीटा बाय 2 में 4 डिग्री बना सकते हो, तुम चाहो तो cos में 4 डिग्री बना सकते हो, चाहो तो sin में 4 डिग्री बना सकते हो, चाहो तो z में 4 डिग्री बना सकते हो, उसके लिए स्क्वायर करके 1 sin स्क्वायर डालना। हां हां हां, तो अपन को ओरिजिनल जो था ना बच्चों की cos वो नॉर्मल की इक्वेशन में h और k पुट कर दो, नॉर्मल की इक्वेशन में h और k पुट कर दो, तो यहां आते थे। इसके बाद अपने बहुत धूम मचाई थी कि हाफ एंगल सिस थीटा फलाना ढिमका, बट इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ गया? बोलो समझा? बोलो। अरे यार राइट साइड को लिख दिया।
मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, नॉट अ बिग फैन ऑफ कैलकुलेशन, जल्दी बताओ बे, ये समझा? यस सर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि यार अच्छा एक स्टेप लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए चार ई चार कॉस क्वा माइनस टू ए क्यूब ई स्क्वायर एच कॉस दिस इंटू, अब ये खून पिएगा जबरदस्ती, इक्वल्स टू बी स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कितने बच्चों को दिख रही है कॉस में 4 डिग्री है, कॉस में 4 डिग्री बन गया, मल्टीप्लाई मत करना पागल हो जाओगे, बस ये छोड़ दो, कॉस में 4 डिग्री है, इसके रूट्स फिर क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये चलेगा। तो इस इक्वेशन का क्या क्या निकालना है बच्चों, एस वन, एस वन तो अपन पहले भी निकाल के रखे थे बट चलो निकाल लेते हैं। एस वन क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ कॉस अपॉन कोफिशियंट ऑफ कॉस फोर, सॉरी कॉस क्यूब अपॉन कॉस फोर। कॉस क्यूब ध्यान से देखो कब बनेगा, पूरा ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्मार्ट हो चुके हैं कैलकुलेशन वाइज, ये देखो जब ये दोनों कंबाइन हो गए तभी कॉस क्यूब बनेगा, इसके अलावा बन ही नहीं सकता, बोलो पीपल। यस सर। तो टू ए क्यूब ई स्क्वायर एच कॉस क्यूब, और कॉस चार कब बन रहा है, कॉस चार के लिए क्या है देख लो, कॉस चार का कोफिशिएंट देखो जब कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कंबाइन होंगे ये दोनों, तो ए चार ई चार कॉस फोर, तो माइनस ए फोर ई फोर, समझ आ रहा है, ये बन गया एस वन तुम्हारा। एस थ्री क्या होता है बच्चों, पीपल एस थ्री माइनस टाइम कॉन्स्टेंट अपॉन कॉस चार, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, माइनस टाइम कोफिशियंट ऑफ कॉस अपॉन कॉस चार। तो कॉस थीटा फिर से नोटिस करो कब बन रहा है, ये देख लो खाली ये इसी में कॉस बनेगा, इसके अलावा बन ही नहीं सकता, तो फिर से क्या बन रहा है, और कॉस चार तो अभी निकाला अपन ने, एस चार क्या हो जाएगा, एस फोर कॉन्स्टेंट अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ तो कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स फोर, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या बन रहा है देख लो फिर से, कॉन्स्टेंट एक ही बन रहा है ये दोनों। इज एवरीवन ओके विद दिस थिंग? यस सर। लो देख लो एस वन एस थ्री बाय एस फोर क्या बचेगा, दिस इनटू दिस, तो टू ए क्यूब ई स्क्वायर एच अपॉन ए चार ई चार इंटू टू ए क्यूब ई स्क्वायर एच अपॉन ए चार ई चार इंटू ए चार ई चार अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ये बन रहा है ना रेसिप्रोकल लेके, देखो क्या क्या बच रहा है क्या क्या उड़ रहा है, ए क्यूब ए चार, तो ऊपर टेन बन रहा है, चार चार टू, ओके ए चलो कैंसिल हो गया खुशी की दिन आ गए, टू टू फोर, तो ऊपर ई रेस टू एट बन रहा है, फोर फोर एट, ओहो हो एच 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 स्क्वायर, ओ बे भिंचा, बोलो समझा, बोलो यस सर। हाँ तो दिस वाज अ सुपर ट्रैशी क्वेश्चन जो काइंड ऑफ री डिराइव ही करना पड़ा, तो इससे और इंस्पिरेशन लो कि इसमें से कुछ भी याद रखने का एनी वे पॉइंट नहीं है, वैसे हाईली अनलाइकली कि एकदम इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन जेई पूछे, बट अपने पास कुछ ज्यादा ऐसा बचा भी नहीं इस पे करने के लिए, तो मैंने थोड़े से ट्रैशी क्वेश्चंस भी दे दिए, तो खुश रहो। हाँ कोऑर्डिनेट का अलजेब्रा ज्यादा था, बट ये इसलिए भी करा रहा हूँ मैं क्योंकि तुम अभी प्रैक्टिस करोगे, जब सिलेबस खत्म होगा तो तुम दुनिया जहाँ के पेपर सॉल्व करोगे, इधर उधर की टेस्ट सीरीज पकड़ोगे, पिटजी के पेपर करोगे, नारायणा के पेपर करोगे, पेस के पेपर करोगे, फलाना ढिमका, तब तुम्हें बिल्कुल ये क्वेश्चंस दिखेंगे। ये जो दुष्ट लोग हैं ये पेपर में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, जे ही नहीं डालता बट ये लोग डालेंगे, और फिर तुम अटकोगे तो फिर बोलोगे कि अरे ये क्या हो गया, इससे बेटर है अपन दो चार क्वेश्चन अभी करके कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है तो चलेगा सबको। देखो बचा हुआ एक दो क्वेश्चन, चलो सोच के आ जाओ, ट्राई करके आ जाओ, बट आई थिंक वी हैव डन लाइक जस्टिस टू एलिप्स टॉपिक, सब कुछ अपन ने कर लिया, फालतू की चीजें भी थोड़ी सी एक दो देख ली, इंटीजर टाइप आएगा बट इट इज टू लेट। अब नेक्स्ट लेक्चर अपन हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हाइपरबोला, और एलिप्स के नोट्स लेके बैठना सेम है, एलिप्स के नोट्स लेके बैठना, स्टार्टिंग का एटलीस्ट 30% 40% सेम कार्बन कॉपी। तीन ही नॉर्मल आपने कंपोनेंट बोला है, तो फोर्थ वाला हाँ वो सोच के आओ,
मैंने कोनॉर्मल बोला नहीं है, मैंने बस बोला है कि इन तीनों पॉइंट्स में नॉर्मल्स कॉन्करेंट है, मैंने कुछ और मेंशन किया ही नहीं है, तो सोचो क्या करोगे। सो तो तीन नॉर्मल कॉन्करेंट है तो चौथा भी होगा ही, बिकॉज ऑब्वियसली हां एक नॉर्मल रूट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है हां, वो मैंने दिया नहीं है, होगा वी नो मैथमेटिकली होगा, बट वो मैं मेंशन नहीं किया, मेरी मर्जी, तो सोचो कैसे करोगे आप। सो कैन आई से लाइक आई थिंक आई गॉट इट, फोर का सेकंड वाले क्या यूज किया बस उतना बता दे, बाकी फिर स्पॉइल नहीं करना। वो थोड़ा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को उसमें माइनस वन वो कॉन्करेंट होते हैं राइट, कोएफिशिएंट्स ऑफ अ लाइन पास ठीक है, समझ गया, सही है सही है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ना। यस यस हां सही है सही है सही है सही है, वो वर्ड तूने बोल दिया मेरे को समझ गया, सही है एकदम सही। ओके सर एकदम सही है, अब तू फर्स्ट सोच के आना ठीक है। सो फर्स्ट तो ठीक है, आई विल डू। हां एंड फर्स्ट सेम नहीं है, इट्स नॉट सेम एज दिस फर्स्ट, नो इट इज नॉट सेम। सर आप उसका पीडीएफ भेज दें। ओके अभी भेज रहा हूं, अभी जस्ट भेज ही रहा हूं, यस अभी जस्ट भेज रहा हूं, चलो बाय 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 बाय। अच्छा पहले डिस्कनेक्ट हो गया।